फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर लईनिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله الحكيم في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن مجید کے سورہ احزاب کی نہایت ہی مشہور اور معروف آیت آیہ تطہیر، ارشاد ہو رہا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت، کہ تم سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ شب جمعہ ہے، شب شہادت ہے، عموماً مومنین شب جمعہ میں یا حدیث شریف قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یا پھر سنتے ہیں۔ حدیث شریف قصہ کیا ہے؟
जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, यानी आयत तथीर, हदीस शरीफ किस्सा इसी आयत तथीर का शान नुज़ूल है। हर आयत का कोई ना कोई शान नुज़ूल होता है, हर सूरे का कोई ना कोई शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब आयत या सूरा कब नाजिल हुआ, कहाँ नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, किसके लिए नाजिल हुआ, कहाँ पर नाजिल हुआ, इसको कहते हैं शान नुज़ूल। मसलन आए बल्लिख, इरशाद द्वारा या यो रसूल बल्लिख मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअस्मुका मिनन नास। पैगंबर आप पहुंचा दीजिए उस पैगाम को कि जो आप पर नाजिल किया जा चुका है, अगर आपने ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम न दिया और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आए बल्लिख शान नुज़ूल, आए बल्लिख का शान नुज़ूल दीर से पहले के हालात वाकयात कि जब पैगंबर मक्के से मदीने की तरफ आ रहे थे तो गदीर से पहले ही आयत नाजिल हुई। कहाँ पे नाजिल हुई, जुहफा में नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, ऐलान के लिए नाजिल हुई। आए इकमाल अलयौम यसल्लज़ीन कफरू अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना। कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, साफ है। जिस वक्त ऐलान हो चुका गदीर में, उस गदीर में ऐलान के बाद ये आयत नाजिल हुई। एक आयत को कहा गया आए बल्लिग, दूसरा इसी तरीके से हर आयत का और हर सूरे का कोई ना कोई शान नुज़ूल है कि आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई। इसी तरीके से आयत तथीर कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई, इसी आयत तथीर के शान नुज़ूल का नाम है हदीस किस्सा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस किस्सा क्या है? हदीस किस्सा जिस तरीके से आयतों के नाम है, सूरों के नाम है, सूरह हम्द है, सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह फील है, सूरह अनकबूत है, सूरह रूम है, सूरह मरियम है, हर अलग अलग सब सूरों के नाम है कि नहीं भाई? वो गाय वाला सूरा, वो मकड़ी के वाला सूरा, वो हाथी वाला सूरा, और वो जनाब मरियम से जो मंसूब है वो सूरा, और वो आल इमरान वाला सूरा, ये सब सूरों के नाम हैं। ऐसे ही आयतों के नाम हैं, आयत तथीर, आयत बल्लिग, आयत इकमाल, आयत मुबाहला, ये सब आयतों के नाम हैं। जिस तरीके से सूरों के और आयतों के नाम हैं, ऐसी हदीसों के भी नाम हैं, हदीसों के भी नाम हैं। हदीस मंजिलत, हदीस सफीना, हदीस सकलैन, हदीस यौमुद्दार। जिस तरीके से इन हदीसों के नाम हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम है हदीस किस्सा।
किस्सा क्या है? आमतौर से क्योंकि गुजराती जबान में किस्सा को लोग, बहुत से लोग समझते हैं किस्सा, किस्सा अलग है, किस्सा अलग है, ये किस्सा नहीं है, किस्सा कहानी वाला किस्सा नहीं है, ये हदीस किस्सा नहीं है, हदीस किस्सा। किस्सा और किस्से में बड़ा फर्क है। किस्सा कहते हैं स्टोरी को, अफसाने को, किस्सा, किस्सा कहते हैं चादर को। अरबी में किस्सा कहते हैं स्टोरी को और किस्सा कहते हैं चादर को। ये हदीस किस्सा नहीं है, ये हदीस किस्सा है। हदीस किस्सा का मतलब चादर वाली हदीस। हदीस किस्सा चादर वाली हदीस। चादर वाली हदीस का मतलब क्या है? अब इस सिलसिले में सुन्नी और शिया दोनों ने मुत्तफ़िका तौर पर इसको तहरीर किया है और रवायतों को जमा किया है कि पैगंबर खत्ती मर्तबत एक दिन बैतुश्शरफ में तशरीफ लाए और उन्होंने चादर तलब की। अब वो चादर कौन थी, इसमें इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा खैबरी चादर थी, कुछ ने कहा यमनी चादर थी, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वो खैबरी हो या यमनी हो, लेकिन इस पे सब मुत्तफिक है कि चादर थी और चादर ली और चादर ओढ़ी, इसमें सब मुत्तफिक है। वो किसका घर था, इसमें इख्तिलाफ है। वो उम्मे सलमा का हुजरा था कि आयशा का हुजरा था, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन ये तय है कि हुजरा था, चादर ली, चादर ओढ़ी और चादर में फिर अपने अहले बैत को लिया, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं, सब ने कबूल किया। किन किन लोगों को लिया? मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनको चादर में लिया और इन पैगंबर ने इन चारों को अपने साथ चादर में लेने के बाद, जिसको कहते हैं पंजतन पाक, पैगंबर को जब शामिल करते हैं तो ये पांच तन होते हैं, पंजतन। अब जब पैगंबर ने चादर में सबको ले लिया, अब यहां के ऊपर पैगंबर ने एक दुआ की, इसी को कहते हैं हदीस किस्सा, जिसकी हदीस किस्सा मारूफ हुई, मशहूर हुई हदीस किस्सा, चादर वाली हदीस। अब पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने यहां के ऊपर चादर में लेने के बाद इन सबको, अमीरुल मोमिनीन, जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, चादर में लेने के बाद पैगंबर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, माबूद बस यही हमारे अहले बैत है। अच्छा, एक लतीफ नुक्ते की तरफ और इशारा करता चलूं। आम तौर से उन्होंने अहले बैत के सिलसिले में भी इख्तिलाफ पैदा कर दिया कि साहब अहले बैत कौन है, अरे साहब ये भी अहले बैत में है, वो भी अहले बैत में है। किसी ने कहा कि नहीं साहब अजवाज भी अहले बैत में है, किसी ने कहा नहीं साहब असहाब भी अहले बैत में है, किसी ने कहा नहीं खाली घर वाले अहले बैत में है। अगर खाली घर वाले अहले बैत में है तो ये भी हैं और वो भी हैं, घर तो बहुत बड़ा था पैगंबर का, लिहाजा वाकई अहले बैत है कौन। अच्छा, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, तवज्जो रखिएगा, अजीब सी बात है, पैगंबर खुद चादर में लेके कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरे अहले बैत हैं और इसको सारे मुसलमानों ने कबूल भी किया कि पैगंबर ने मौला अली, जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको चादर में लेने के बाद पैगंबर फरमा रहे ये मेरे अहले बैत हैं और मुसलमान क्या कह रहा है? नहीं साहब ये भी इनके अहले बैत हैं, वो भी इनके अहले बैत हैं,
ये भी पैगंबर के अहले बैत में है, वो भी पैगंबर के अहले बैत में है। अब आप इंसाफ से बताइए, आप आए भावनगर, भावनगर में आने के बाद आपकी किसी से मुलाकात हो गई, भाई खैरियत है, मौलाना को आप जानते हैं, एक दूसरे साहब वहीं खड़े, अरे साहब यही तो मौलाना के घर से हैं, ये मौलाना के घर के हैं, मौलाना के घर के हैं ये। एक साहब और आ रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई, कहा भाई आप मौलाना को जानते? हाँ हाँ, अरे ये साहब भी मौलाना के घर के हैं। अभी इन दोनों में बातें हो रही थी कि मैं खुद आ गया, लीजिए साहब देखिए मौलाना तो खुद ही आ गए। हाँ माशाल्लाह भी आया था, पता चला तो माशाल्लाह से इनसे तारुफ हुआ तो पता चला कि हाँ ये भी आपके घर ही के हैं, तो इस वजह से मैंने कहा बेहतर समझा कि इन्हीं के साथ आपके यहाँ घर पे आ जाऊं। मैंने कहा नहीं हैं, अपने ही हैं लेकिन घर के नहीं है, हैं अपने ही हैं, अपने ही समाज के हैं, अपने ही जमात के हैं, अपने ही मजहब के हैं, अपने ही दीन के हैं लेकिन घर के नहीं है। कहा नहीं साहब, इनका रख रखाव तो आपका ऐसे ही जैसे घर का हो, रख रखाव होना अलग है, घर का होना अलग है। दूसरे ये कि साहब वो साहब मस्जिद किए जा रहे हैं, नहीं साहब ये भी घर के ही है आपके। मैं कह रहा हूं नहीं, हमारे घर के नहीं है ये हमारे पड़ोस के हैं, ये हमारे अजीजों में से हैं, ये हमारे रिश्तेदारों में से, यहाँ भावनगर आए रहने लगे, इनका हमारे घर आना जाना है, हमारे खानदान में से हैं लेकिन हमारे घर से नहीं है। और वो साहब कह जा रहे नहीं साहब आप लाख कहिए कि घर के नहीं, हम तो मानते हैं कि ये भी घर के हैं, वो भी घर के हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल पैगंबर की कर दी मुसलमानों ने। अब हम मुसलमानों की माने कि पैगंबर की माने? मुसलमान कह रहा है कि ये भी है अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, पैगंबर क्या कह रहे? पैगंबर चादर में चारों हस्तियों को लेके फरमा रहे कि बस यही हमारे अहले बैत है। तो जाहिर सी बात है कि माना उसको जाएगा कि जो खुद पैगंबर बता रहे हैं, माना उन हस्तियों को अहले बैत जाएगा कि जिनका तारुफ खुद पैगंबर करा रहे हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजाने मोहतरम, पैगंबर ने जब लिया जहर की साइन हस्तियों को, उसके बाद दुआ कि अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती माबूद, बस यही हमारे अहले बैत हैं। अब इसके बाद बास नुस्खों में एक तफसीली हदीस है ये, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती व खासती, यही हमारे मखसूस हैं, यही हमारे खास हैं। आम होना अलग है, खास होना अलग है, बस यही हमारे खास है। वहां मती, यही हमारे हामी और मददगार है। लहमहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। व दमहुम दमी, इनका खून मेरा खून है, इनका खून मेरा खून है। खास सती वहां मती, लहमहुम लहमी, दमहुम दमी, यूलमुनी मा यूलमहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, जिसने इनको रंजीदा किया, जिसने इनको गमजदा किया, उसने मुझे रंजीदा और गमजदा किया। हारबुलमन हारबहुम, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। सिलमुलमन सालमहुम, इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। फजअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। इतनी सारी खुसूसियात बयान करने के बाद, खासती वहामती लहमहुम लहमी व दमहुम दमी, यूलमुनी मा यूलमहुम, यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, सिलमुलमन सालमहुम, हरबुलमन हारबहुम, इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ। फजअल सलावातिका, माबूद तू करार दे इनके लिए, क्या करार दे? मैंने अर्ज किया कि शब जुमा है, शब शहादत है और हदीस कैसा का जिक्र, इससे बेहतर कोई जिक्र हो ही नहीं सकता।
करार दे तू फज्र अल सलावात का, माबूद तू करार दे इनके लिए। क्या करार दे? अपनी सलावात को। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, करार दे तू अपनी सलावात को, और क्या रहमत को, और अपनी बरकत को, और अपनी खुशनुदी को, और तू इनको ऐसा का पाको पाकीजा करार दे कि जो पाको पाकीजा रखने का हक है। ये दुआ है और यही हदीस है जिसको कहते हैं हदीस है किसा, यानी चादर वाली हदीस, चादर वाली हदीस जिसके नाम से ये पूरी हदीस किसा है, इसी हदीस के नाम से हदीस किसा, चादर वाली हदीस। ये इतनी मोतबर हदीस है कि जिसको मैंने अर्ज किया कि मुसलमानों के तमाम फिरकों ने तस्लीम किया और कबूल किया कि पैगंबर ने चादर ली, चादर ओढ़ी, चादर में अली को लिया, फातिमा को लिया, हसन को लिया, हुसैन को लिया, और इन हसन को लेने के बाद पैगंबर ने ये दुआ फरमाई जो दुआ भी है और हदीस भी है, अल्लाहुम्मा हाउला हेलो बैती, माबूद बस यही हमारे हेले बैत है, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है, अब जैसे ही पैगंबर, हमारी आपकी दुआ रद्द हो सकती है लेकिन मासूम की दुआ रद्द नहीं होती है। दुआ नुदबा में एक जुमला आता है कि हमारी दुआ रद्द हो सकती है लेकिन इमाम की दुआ रद्द नहीं होती है। अब जाहिर सी बात, दुआ भी इतनी आलीशान, इतनी शानदार, और दुआ भी किसके लिए कर रहे हैं? खुद अपने अहले बैत के लिए, माबूद बस यही हमारे अहले बैत हैं, और तू करार दे इनके लिए अपनी रहमत को और अपनी खुशनुदी को, और तू इनको ऐसा पाको पाकीजा करार दे कि जो पाको पाकीजा रखने का हक है। बस जैसे ही पैगंबर की ये दुआ तमाम हुई, कुदरत ने अर्श के ऊपर मलाइका के दरमियान ऐलान कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने बहुत सी कस्में खाई हैं, सूरज की कसम है, चांद की कसम है, सितारों की कसम है, यहां तक कि घोड़ों की टापों के जरिए निकलने वाली चिंगारियों की कसम है, लेकिन आपको पूरे कुरान मजीद में वो कसम नहीं मिलेगी कि जो अल्लाह ने अहले बैत के तारुफ के वक्त खाई है। गौर फरमाइएगा, कुरान मजीद में अल्लाह ने बहुत सी कस्में खाई हैं लेकिन इन तमाम कस्मों में आपको यह कसम नहीं मिलेगी कि जिस वक्त अहले बैत की अजमत को अल्लाह ने बताया है, अहले बैत के मकाम को बताया है, उस मौके पर जो कसम खाई है वो कसम क्या थी? इज्जती व जलाली। सारी कसमें कुरान मजीद में है लेकिन कहीं के ऊपर भी कुरान में अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम नहीं खाई है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अपनी इज्जत और अपने जलाल जब अहले बैत का तारुफ कराया, जब अहले बैत की अजमत को बताया, जब अहले बैत के मकाम को समझाया, इज्जती व जलाली या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, ए मलाइका, ए आसमानी मखलूक, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरे जलाल की कसम है, इन्नी मा खलक्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़ मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुजिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बते हाउलाइल खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए आसमानी मखलूक, ए मलाइका समावात, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, ये नीलगु आसमान,
ये खाकस्तरी ज़मीन का फर्श, ये दरिया, और ये दरिया में चलती हुई कश्तियाँ, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, हमने कुछ नहीं पैदा किया। अगर इन तमाम चीज़ों को पैदा किया है तो इनकी मोहब्बत में, किसकी, जो इस वक्त ज़ेरे किसान है, चादर के नीचे है। कमाल है, कुदरत ने यहाँ के ऊपर नाम नहीं लिया, सिर्फ सिफतों को बताया। कुदरत ने नाम नहीं लिया, सिफत को बताया कि हमने आसमान इनके सदक़े में पैदा किया, ज़मीन इनके सदक़े में खल्क की, दरिया इनके सदक़े में बनाए, चाँद इनके सदक़े में, सूरज इनके सदक़े में, कायनात इनके सदक़े में, जो इस वक्त किस्सा के नीचे हैं, चादर के नीचे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब चादर के नीचे थे तो एक तरीके से पर्दा है, तो कुदरत ने जो तारुफ कराया है, शायद ये बात पर्दे ही में रह जाती, शायद ये बात चादर के अंदर ही रह जाती, लेकिन इस दर पे आने जाने वाले जनाबे जिब्राइल मिजाज इंसानियत से भी वाकिफ है, मिजाज मुसलमान से भी, कि इस इंसान का मिजाज क्या है और इस मुसलमान का मिजाज क्या है। लिहाजा जैसे ही कुदरत ने ऐलान किया कि ये आसमान और ये जमीन और ये चांद और ये सूरज और ये सितारे और ये दरिया और ये सब कुछ सब इनके लिए, कि जो इस वक्त किस्सा के नीचे है, चादर के नीचे है, फौरन हाथों को जोड़ दिया। माबूद बड़ा शानदार कसीदा पढ़ा तूने, सुबहान तूने अहले बैत की, लेकिन जरा ये तो बता दे कि ये हैं कौन। कमाल कर दिया है वाकई, ये जरा ये तो समझा कि हैं कौन। अच्छा, जहां सवाल में कमाल है वहीं जवाब में इससे बढ़ के कमाल जो कुदरत ने किया, जाहिर सी बात है जो बाकमाल शख्सियत ही कमाल कर सकती है, कमाल उसी से मखसूस है, बाकी तो सारे कमाल सब मजाजी हैं, कमाल तो उसी की जात से मखसूस है। लिहाजा जैसे ही जनाबी जिब्राइल ने सवाल किया कि महबूद ये हैं कौन, अब यहां के ऊपर अगर बात आ गई है तो थोड़ा सा अहले वेला के लिए अर्ज करता चलूं कि इस घराने का कुछ मिजाज ही है, आने का कुछ मिजाज ही है, वरना आम तौर से जब अहले बैत के तारुफ की बात आती है, आप जनाब आदम से लेके और खत्मी मर्तबत तक आप सबसे मालूम कर लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, कायनात किसके सदक़े में, इनके सदक़े में, अहले बैत का तारुफ कौन कराएगा, अहले बैत को कौन पहचानवाएगा, कहा पूछो, मुरसलीन से सवाल करो। मैंने कहा चलिए आइए साहब, तशरीफ लाइए, अंबिया से पूछे लेते हैं, मुरसलीन सवाल किए लेते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले नबी हैं, सबसे पहले रसूल हैं जनाब आदम, लाओ इन्हीं से सवाल कर लेते हैं, सफ़ीउल्लाह लक़ब है, आप बताइए ये अहले बैत कौन है। आदम ने आवाज़ दी, तुम नहीं जानते हो अहले बैत कौन है, यही तो वो हैं कि जिनके सदक़े में मेरी तौबा कबूल हुई। नाम नहीं बताया। मैंने कहा नूह आप बता दीजिए ये अहले बैत कौन है, कहा तुम नहीं जानते हो, यही तो वो है कि जिनके सदक़े में मेरी कश्ती साहिले नजात तक पहुंची। नाम नहीं बताया। मैंने कहा इब्राहिम आप बता दीजिए ये अहले बैत कौन है, कहा तुम नहीं जानते हो अहले बैत कौन है, अहले बैत ही वो है कि जिनके सदक़े से नारे नमरूदी गुलजार हुई। नहीं बताया, सिफत बता दी। मैंने कहा मूसा आप बता दीजिए ये अहले बैत कौन है, कहा तुम नहीं जानते, अहले बैत ही वो हैं कि जिनके सदक़े से दरियाए नील में रास्ता बना। सिफत बता दी, नाम नहीं बताया। मैंने कहा ईसा आप बताइए अहले बैत कौन है, कहा तुम अहले बैत को नहीं जानते हो, अहले बैत ही तो वो हैं कि जिनके सदक़े से मैं चरख चहरुम पे पहुंचा,
सिफत बता दी, नाम नहीं बताया। मैंने कहा कि अच्छा, सबसे पूछ लिया। मैंने कहा जमीन तू बता। कब तू नहीं जानता है, यही तो वो है कि जिनके सत्ते मुझे खल्क किया गया। मैंने कहा आसमान तू बता। कब तुम नहीं जानते हो, इन्हीं के सदक़े में तो मेरा ये शामियाना लगाया गया था, शामियाना ताना गया। मैंने कहा चांद और सूरज तुम बताओ। सूरज कहा कि तुम नहीं जानते हो, ये अहले बैत वो हैं कि जिनके इशारे पे वापस होता हुआ नजर आऊं। मैंने कहा चांद तू बता। कहा अहले बैत वो हैं कि जिनके इशारे से दो टुकड़े हो जाऊं। मैंने कहा सितारों तुम बताओ। कहा ये वो हैं कि जिनकी ड्योढ़ी पे उतरता हुआ नजर आऊं। सवाल करता रहा, सबने सिफतें बयान कर दी, नाम किसी ने नहीं बयान किया। मैंने कहा माबूद, सबसे सवाल कर लिया, सबसे पूछ लिया, जरा तू ही बता दे कि अहले बैत कौन है। अल्लाह ने अपने हबीब को आवाज दी, ए मेरे हबीब घर में जाओ। पैगंबर घर में आए, अल्लाह ने देखा घर काफी बड़ा है, पैगंबर के घर में काफी हुजरे हैं, उन हुजरों में माशाल्लाह कई हुजरे वालियां हैं, उन हुजरों में कई हुजरे वालियां हैं। लिहाजा पैगंबर को हुक्म हुआ एक चादर लो, एक खैमा लगाओ। पैगंबर ने यमनी चादर का खैमा लगा दिया। आओ अली तुम मेरे करीब हो, आओ फातिमा तुम मुझसे करीब हो, आओ हसन तुम मुझसे करीब हो, आओ हुसैन तुम मुझसे करीब हो। और जब ये सब जमा हो गए तो कुदरत ने कहा अब मैं तारुफ कराता हूं कि ये कौन हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनकी अजमत को ना आदम बता सकते हैं, ना नूह, ना इब्राहिम, ना मूसा, ना ईसा, ना जमीन, ना आसमान, ना चांद, ना सूरज, ना सितारे, इनकी अजमत को मैं बताऊंगा। माबूद तू ही बता दे। कैसे नहीं, पूरी आसमानी करके बताऊंगा, सारे फरिश्तों को बिठाल के बताऊंगा। लीजिए साहब, जो कयाम में थे उन्होंने कयाम छोड़ा, जो रुकू में थे उन्होंने रुकू छोड़ा, जो सजदे में थे उन्होंने सजदा छोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस किसा कह रही है, इज्जती या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, ए आसमानी मखलूक, ए मलाइका समावात। खिताब किसको किया जाता है, जो नमाज में हो उसको मुखातब नहीं किया जाता है, जो रुकू में हो उसको मुखातब नहीं किया जाता है, जो सजदे में हो उसको मुखातब नहीं किया जाता है, मुखातब उससे किया जाता है जो सामने हो, जिसको सुना हो, जो सुन रहा हो उसको मुखातब किया जाता है। अल्लाह मुखातब कर रहा है किसको, आसमानी मखलूक को मुखातब कर रहा है किसको, मलाइका समावात को। अब जब ये सब मुखातब हो गए तो कुदरत ने क्या खिताब किया, कुदरत ने अपनी इज्जत की कसम खाई, जलाल की कसम खाई, और इज्जत और जलाल की कसम खा के आवाज दी, इन्नी मा खलक तो समाम मबनिया वाला अर्जम मदिया वाला कमरा मुनीरा वाला शमस मुजिया वाला फलक यदूर वाला बहर यजरी वाला फुलक यसरी इल्ला फी महब्बते हाउला इल खमसति लजीन हुम तहत अल किसा। तारुफ तो हो गया, अजमत तो बता दी, काम तो समझा दिया, लेकिन फिर भी बात पर्दे में रह गई। लिहाजा जनाब जिब्राइल आगे बढ़े, या रब्बे वमन तहत अल किसा, माबूद इतना शानदार तूने कसीदा पढ़ा है, इतनी शानदार तूने तारीफ की है, लेकिन जरा यह तो बता दीजिए, बता दे कि चादर में है कौन। तो मैंने अर्ज किया कि जैसा सवाल आलीशान वैसे जवाब भी आलीशान। जिस वक्त जनाब जिब्राइल ने सवाल किया कि माबूद ये है कौन, जबकि जिब्राइल जानते हैं, जिब्राइल इस दर पे आने जाने वाले हैं, जिब्राइल अली से भी वाकिफ, जिब्राइल जहरा से भी वाकिफ, जिब्राइल हसन को भी पहचानते, जिब्राइल हुसैन को भी जानते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं या रब वमन तहतल किसा, माबूद ये है कौन। तो जिब्राइल जहां सबको जानते थे वही मुसलमानों के मिजाज को भी जानते थे कि कल ये अहले बैत के तारुफ में अहले बैत होंगे कोई, और ये बता देगा किसी को। लिहाजा इसी वक्त मसले को हल कर दिया जाए और वाजह कर दिया जाए। लिहाजा जनाब जिब्राइल ने सवाल किया माबूद ये है कौन, पर जैसे ही
जनाब जिब्राइल सवाल करते, कुदरत आवाज देती है, हम महलो बैत नबुव्वा। कमाल है वाकई। और कुदरत ने ये पहले ही जुमले में, पहले ही मरहले में ये बता दिया कि देखो इसमें शक न करना, ये अहले बैत नबुव्वत हैं, हम अहले बैत नबुव्वा, ये नबुव्वत के अहले बैत हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जब नबुव्वत के अहले बैत हैं तो तारुफ किसके जरिए होना चाहिए? नबी के जरिए होना चाहिए ना, रसूल के जरिए होना चाहिए था ना, अल्लाह को अपने हबीब के जरिए तारुफ कराना चाहिए था ना। हमारे घर वाले हैं, तारुफ किसके जरिए हो रहा भाई? तारुफ अगर होगा तो हमारे जरिए से तो होगा भाई, ये मौलाना है, ये मौलाना के बेटे हैं, मौलाना की बेटियां हैं, मौलाना की दौजा है, ये मौलाना के घर वाले हैं वगैरह वगैरह, यही तो होगा। लेकिन कमाल कर दिया कुदरत ने, अब जो तारुफ किया कराया कुदरत ने, तो पहले तो शक दूर कर दिया कि जर्रा बराबर इसमें शक चुभा ना करना, हम अहले बैत नबुव्वा, ये जो चादर के नीचे है ये अहले बैत नबुव्वत है। वमादेनुर्रिसाला, और ये कोई मामूली शख्सियतें नहीं है, मामूली हस्तियां नहीं है, ये रिसालत के खजानदार है, रिसालत की काने है। कान समझते हैं, ये कान नहीं, कान जिस तरीके से तांबे की कान होती है, लोहे की कान होती है, कोयले की कान होती है, कोयले की कान से कोयला निकलता है, तांबे से तांबा निकलता है, लोहे से लोहा निकलता है। कुदरत क्या कह रही है? हुम अहलु बैतिन नबुव्वा मादेनुर रिसाला, ये रिसालत की काने है, काने यहां से रिसालत निकलती है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां से रिसालत निकलती है, रिसालत का की कान है, रिसालत के खजानादार है। फिर उसके बाद इससे भी शानदार जुमला जो कुदरत का, हम फातिमा तो वहबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, फातिमा के वालिद हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा की दोनों बच्चे हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारुफ किसका था? पैगंबर के अहले बैत का। होना किसके जरिए से चाहिए था? पैगंबर के जरिए। हुआ किसके जरिए? जनाब फातिमा। अब समझ में आया फातिमा के मकाम और फातिमा की अजमत क्या है। फातिमा के जरिए तारुफ हो रहा है। और इसी के बाद आयत तथीर, आयत तथीर में जो पहला लफ्ज है जहां से आयत शुरू होती, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अहले इल्म तशरीफ फरमा आप मालूम कर लीजिए इन्नमा क्या है। इन्नमा है कलमा हसर, जब चीज को बाउंड करना होता है, किसी जगह को, किसी शख्सियत को, किसी बात को बाउंड करना होता है तो वहां के ऊपर इन्नमा आता है। बस यही, बस ये इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल, और वो कि जो ईमान लाए, नमाजों को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात दी। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये बस खाना खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। इसी तरीके से इन्नमा युरीदुल्लाह, बस अल्लाह का इरादा यह है। अहले बैत इन्नमा के जरिए से अल्लाह ने एक बाउंड्री खींची है। मैंने अर्थ किया कि नमा वहां के ऊपर आता है कि जहां के ऊपर बाउंड करना, मखसूस करना हो, किसी चीज को, किसी बात को, किसी जगह को, कुछ शख्सियतों को, इनके अलावा कोई नहीं, इस जगह के अलावा कोई नहीं, इस बात के अलावा कुछ नहीं, वहां के ऊपर होता है इन्नमा। अब यहां के ऊपर कुदरत ने हकीकत में आयत तथीर नाजिल नहीं की, बल्कि एक तरीके से अहले बैत के गिर्द एक बाउंड्री खींची है। अहले बैत के गिर्द एक बाउंड्री खींची है, किसके जरिए से? फातिमा के जरिए से तारुफ करा के, फातिमा के जरिए से तारुफ करा के कुदरत ने एक बाउंड्री खींची है। फातिमा, फातिमा के वालिद, फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा, फातिमा के बच्चे,
अब आयत भेज रहा है, आयत में क्या कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्ला, बस अल्लाह का इरादा यह है, अहले बैत यानी जो इस चादर में है बस ये, जो जेर किसा है बस ये, इनके अलावा कोई नहीं, इनके लिए इन्नमा युरीदुल्ला, बस अल्लाह का इरादा यह है अहले बैत कि तुमसे हर रिच कसाफत को दूर रखे और ऐसा पाको पाकीजा करार देगी जो पाको पाकीजा रखने का हक है। अब यहां के ऊपर एक जुमला अर्ज करने का दिल चाहता है, कभी कभी बाज खुराफाती और नजिस जहनों में एक फतूर पैदा हो जाता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में भी कि साहब अगर ये पाक हैं तो फिर कैसे पाक हैं और फला मौके पे क्या होता होगा और फला जगह क्या होता होगा और फिर फला चीज कैसे हुई और फला काम कैसे हुआ और फला जगह पे ये कैसे हुआ, इस किस्म के शक शुभे और इस किस्म के वसवसे जानों में आते हैं और दूसरों के सामने पेश करके उनको भी शक में डाल देते हैं। लेकिन अजीजाने मोहतरम, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से अल्लाह अपने हबीब को मेराज पे ले गया, क्या कहा, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक और पाकीजा है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। क्यों ले गई, ताकि अपनी आयतों को दिखाए, अपनी निशानियों को दिखाए। मुसलमान ने कहा नहीं साहब समझ में नहीं आता, वो जिस्म नहीं गया था रूह गई थी, वो तो पैगंबर ने ख्वाब देखा था। अगर पैगंबर ने ख्वाब देखा तो फिर पैगंबर में हम में फर्क क्या रहा, अमा हम जैसे भी न जाने कितनी मर्तबा ख्वाब में कहां से कहां चले जाते हैं, कहां से कहां हो आते हैं, बिस्तर पे होते हैं, जिस्म बिस्तर पे होता है, रूह कभी करबला में होती है, कभी मस्जिदुल हराम में होती है, कभी तवाफ करते हुए, कभी जियारत करते हुए, कभी फिजाओं में उड़ते हुए, कभी डर और खौफ के माहौल में, फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह गया। नहीं साहब, वो रूहानी नहीं थी, जिस्मानी नहीं थी, रूह गई थी, यानी पैगंबर ने ख्वाब देखा था। क्यों का बात समझ में नहीं आती है, क्यों समझ में नहीं आती, क्या अल्लाह को अला कुल्ले शाइन कदीर नहीं मानते, का नहीं मानता हूं, अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। मैंने कहा जब अल्लाह को मानते हो कि हर शय पर कुदरत रखता है तो फिर क्यों नहीं मानते, पैगंबर खुद तो कह नहीं रहे हैं कि मैं गया, अरे अल्लाह कह रहा है मैं ले गया, पैगंबर ये नहीं कह रहे कि मैं गया। अगर पैगंबर कहते मैं गया तो तुम शक करते पैगंबर के ऊपर पर, इसलिए कि तुम्हारा ईमान ही दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर पैगंबर खुद कुदरत कह रही कि मैं ले गई, खुदा कह रहा कि मैं ले गया, तो अगर वो अला कुल्ल शाइन कदीर है तो क्या वो अपने हबीब को रातों रात आसमानों की सैर नहीं करा सकता। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिल्कुल यही मसला यहां के ऊपर है। का साहब समझ में नहीं आता कि अहले बैत कैसे पाक है। बहुत से ऐसे मसले होते हैं, बहुत से ऐसे मकामात होते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं कि जहां के ऊपर इंसान का पाक रहना मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये खुद कब कह रहे हैं, ये खुद कब कह रहे हैं, इन्होंने खुद आयत अथीर नहीं पढ़ी, आयत अथीर नाजिल हुई है। लिहाजा अब अगर अल्लाह को अला कुल्ले शाइन कदीर मानते हो कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, तो क्या वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि पैगंबर और उनके अहले बैत को हर किस्म की रिस्क कसाफत से पाक रखे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब वो कैसे पाक रखेगा ये उसका इख्तियार है। कहा नहीं साहब पैगंबर के जमाने में बहुत से ऐसे ऐसे हालात और वाकयात आए हैं जो तारीख में मौजूद हैं, फिर वहां पर पैगंबर ने क्या किया। मैंने कहा भाई मैं कब कह रहा हूं कि पैगंबर कह रहे हैं, मैं अल्लाह कह रहा है,
अब अगर अल्लाह को अला कुल्ले शाइन कदीर मानते हो तो अब चाहे उसके और पैगंबर के दरमियान में, अब उसका इख्तियार है, उसकी कुदरत है, चाहे वो किसी पर्दे को हायल कर दे या किसी रुकावट को खड़ी कर दे या जिस तरीके से भी उस नजासत साफत और रिस से अपने हबीब और उनके अहले बैत को बचा ले, ये उसका इख्तियार है। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अहले बैत जाहिरी तौर पर भी पाक और बातनी तौर पर भी पाक, वरना आम तौर से शक डाला जाता है कि नहीं अहले बैत बातनी तौर पर तो पाक हैं लेकिन जाहिरी तौर पर कैसे पाक रह सकते हैं। जाहिरी तौर पर तो बहुत से नजासत के मौके आते हैं, वहां के ऊपर पैगंबर और उनके अहले बैत क्या करते हैं। तो अजीजान मोहतरम, बहरहाल ये मेरा अपना अकीदा और अपना मेरा खुद अपना नजरिया है, बाकी मुझसे सवाल भी ना कीजिएगा कि हाँ कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बताया कि मेरा अकीदा है, मैं अहले बैत के जाहिरी तौर पर भी अहले बैत को पाक जानता हूँ और बातनी तौर पर भी अहले बैत को पाक समझता हूँ। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। किस जगह लिखा है? सूरह अहज़ाब में लिखा है। कौन सी आयत में लिखा है? बहुत आसान पता, 33 33 नंबर का सूरा, 33 नंबर की आयत। कौन सी आयत? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहले बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह का इरादा यह है ए अहले बैत कि तुमको हर रिज्स कसाफत से दूर रखे और ऐसा पाको पाकीजा करार दे कि जो पाको पाकीजा रखने का हक है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले। तो ये हैं जनाबे फातिमा कि जिनकी जिनके सबब अहले बैत हो रहा है, जिनसे अहले बैत का तारुफ हो रहा है। फातिमा, फातिमा के वालिद, फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा, फातिमा के बच्चे। और एक तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि कुदरत ने बाउंड्री खींची है, इसलिए कुदरत को पता था कि सेंध लगाई जाएगी, दाखिल होने की कोशिशें होंगी, लिहाजा कुदरत ने कहा कि हम ऐसी बाउंड्री खींच देंगे कि जिसमें तुम सेंध लगा ही नहीं पाओगे और अंदर दाखिल हो ही नहीं पाओगे। अगर कुदरत पैगंबर के जरिए से तारुफ कराती तो इम्कान था दाखिल होने का, अगर पैगंबर अली के जरिए तारुफ कराती कान था अहले बैत में शामिल होने का, अगर पैगंबर हसन और हुसैन के जरिए तारुफ कराती तब भी कहीं ना कहीं इम्कान था शामिल होने का। कुदरत ने कहा कि ना तो अपने हबीब के जरिए तारुफ कराऊंगा, ना अहले खुद हबीब के अहले बैत हैं लेकिन इनके जरिए से नहीं पहचानवाऊंगा, ना अली के जरिए, ना हसन हुसैन के जरिए, बल्कि अहले बैत में जो मरकजी किरदार और मरकजी हैसियत के हामिल है उस शख्सियत से तारुफ कराऊंगा कि देखो ये फातिमा है, फातिमा के वालिद, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे। और एक तरीके से कुदरत आवाज दे रही कि आयत अथीर फातिमा के कराबतदारों के लिए है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजा ने मोहतरम, बस वक्त तकरीबन तमाम हो गया। जनाब फातिमा आने वाली मजलिसों में इंशाल्लाह और तफसील से बीबी की अजमत और उनके मकाम और उनके मर्तबे और उनके नाम और उनके अलकाब और उनकी सिफात वगैरह से मुतालिक गुफ्तगू होगी। जनाब फातिमा, जनाब फातिमा जिस वक्त पैगंबर के बैतुश्शरफ में ये नूर जनाब फातिमा चमका है, उस दिन से लेके और पैगंबर की रहलत तक, पैगंबर और जनाब फातिमा का जो रिश्ता रहा है, यकीनन जनाब पैगंबर, जनाब फातिमा बेटी हैं, पैगंबर इस्लाम बाप हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो सलूक रहा है, बर्ताव रहा है, तारीख में ना तो इससे पहले किसी बाप का किसी बेटी के सिलसिले में ये बर्ताव देखा गया और ना बाद में नज़र आया। आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह से अहले वला हैं, मजालिस के
माशाल्लाह से शौक़ और ज़ौक़ रखने वाले मोमिनीन हैं, मुख्तलिफ़ उलमा और ज़ाकिरीन आपके शहर में आते रहते हैं, कि जिस अंदाज से, जो अंदाज, जिस तरीके से पैगंबर ने जनाब फातिमा की अज़मत और मकाम को एक बेटी की हैसियत से बताया है, और जनाब फातिमा ने एक बाप की हैसियत से पैगंबर को जिस तरीके से दिखाया और समझाया है, इससे पहले आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी तारीख में, और इसके बाद भी नज़र नहीं आई कि जहां ये एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, जिस तरीके से हदीस किस्सा ये मुत्तफ़क़ अलैह है, जहां तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों ने कबूल किया है, वहीं इस हदीस को भी तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों ने कबूल किया है कि पैगंबर ने फरमाया फ़ातिमतो बज़अतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। इसको सब ने कबूल किया है और सब ने तहरीर किया कि जिस वक्त पैगंबर तशरीफ़ फरमा होते थे और जनाब फ़ातिमा तशरीफ़ लाती थी तो पैगंबर पूरे कद से खड़े हो जाते थे। एक होता है तारुफ़न होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा उठ गए या थोड़ा एहतराम कर लिया या सीने पे हाथ रख लिया या सर पे हाथ रख लिया और करीब बुला लिया, नहीं, पैगंबर पूरे कद से खड़े हो जाते थे और पूरे कद से खड़े होने के बाद मरहबा कहते थे। और जब जनाब फ़ातिमा पैगंबर के करीब आती थी फिर अपनी जगह के ऊपर फ़ातिमा को बिठाते थे और फ़ातिमा को अपनी जगह पर बिठाने के बाद फरमाते थे फ़ातिमा तो बज़रा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। और हकीकत में ये हदीस बयान करके पैगंबर एक पैगाम दे रहे थे, एक मैसेज। क्या पैगाम था कि देखो अगर मैं रसूल हूँ तो फ़ातिमा जुज़ रिसालत है, मैं नबी हूँ तो फ़ातिमा जुज़ नबूवत है, यह जुज़ रिसालत है, जुज़ नबूवत है। और हकीकत यही है कि जनाब फ़ातिमा की ज़ात वो बाज़मत ज़ात है कि जहाँ एक तरफ इस्लाम की तबलीग में और इस्लाम के आम होने में पैगंबर ख़त्ती मर्तबत का एक अहम किरदार, एक ख़ास किरदार रहा है, वहीं इस इस्लाम को बचाने में और इस्लाम को आम करने में ख़ुद जनाब फ़ातिमा का जो किरदार रहा है, जो किरदार आम मुसलमानों से पोशीदा रह गया, मुसलमानों की बात क्या करें, ख़ुद अपनों से पोशीदा रह गया कि जनाब फ़ातिमा ने इस्लाम के लिए किया क्या है। जनाब फ़ातिमा ने पैगंबर इस्लाम के बाद इस शरीयत की हिफाजत के लिए किया क्या है। जनाब फ़ातिमा, फ़ातिमा इतनी सिफात व कमालात के मालिक, डॉक्टर अली शरीयती, आप सब ने नाम सुना होगा डॉक्टर अली शरीयती का, जिस वक्त ईरान में इनकलाब आया है तो उस वक्त उनका काफ़ी लिटरेचर मंजरेआम पर आया था, काफ़ी किताबें उनकी छपी, फ़ारसी में तो होती ही थी, उसके अलावा इंग्लिश में और उर्दू में और दूसरी ज़बानों में उनके तर्जुमे हुए। उन्हीं किताबों में से किताब है डॉक्टर अली शरीयती की, फ़ातिमा फ़ातिमा है। डॉक्टर अली शरीयती इस किताब के बारे में कहते हैं कि मैंने जनाब फ़ातिमा की अज़मत और उनके मकाम दबे के सिलसिले में जब ये किताब लिखी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस किताब का नाम क्या रखूं, फ़ातिमा मासूमा, फ़ातिमा अज़रा, फ़ातिमा इंसिया, फ़ातिमा हौरा, फ़ातिमा सिद्दीक़ा, फ़ातिमा तैयबा, फ़ातिमा बिनत रसूल, फ़ातिमा सौजय अली, फ़ातिमा उम्मुल हसनैन, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा नाम रखूं इसका। जो भी नाम रखता गोशा खाली रह जाता था, अजमत का एक गोशा सामने आता था और दूसरा गोशा खाली रह जाता था। लिहाजा मैंने सोचा कि नाम ऐसा हो कि जिसमें जनाब फ़ातिमा की अजमत के तमाम गोशे आ जाएं, जनाब फ़ातिमा की अजमत के तमाम गोशे। लिहाजा मैंने इस किताब का नाम, मैंने कहा और कुछ नहीं, ना फ़ातिमा, यकीनन फ़ातिमा अज़रा हैं, इंसिया हैं, हौरा हैं, सिद्दीक़ा हैं, ताहरा हैं, लेकिन हकीकत में अगर इन तमाम सिफात को जमा करो तो फ़ातिमा फ़ातिमा है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले।
उन्होंने इस किताब का नाम रखा फातिमा, फातिमा है, फातिमा फातिमा है। जनाब फातिमा क्यों फातिमा है, इंशाल्लाह आने वाली वलीसों में जिक्र होगा उसका। जनाब फातिमा, जिस वक्त पैगंबर खती मरतबत का इंतकाल हुआ है, मैंने अर्ज़ किया कि ख़ुद जनाब फातिमा का जो किरदार रहा है दीन के दिफा में और इस शियत के दिफा में, ये किरदार गैरों से तो पोशीदा रही गया, ख़ुद अपनों से भी पोशीदा रहा कि जनाब फातिमा की अज़मत और उनके हालात वाक़ियात तो हमने सुने, फजीलतों को तो बयान किया, लेकिन इस लिहाज से इन बच्चों, नौजवानों और जवानों को आगाह, जनाब फातिमा का दीन और इस्लाम और शरीयत की हिफाजत में क्या किरदार रहा है। आम तौर से जो हालात पैगंबर के ज़माने में रहे, पैगंबर के बाद फिर रबीउल का ज़माना आया, अगरचे खुद आपका इंतकाल इससे पहले कि मौला अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत कायम होती, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गई और वो दौर आप न देख सकी, लेकिन जितने दिन मौला अली के साथ थे पैगंबर के बाद, ये जो 75 दिन या 95 दिन, दो रवायतें हैं शहज़ादी कौनैन की शहादत से मुतालिक। एक रवायत ये है कि आप पैगंबर के इंतकाल के बाद यानी अपने बाबा के इंतकाल के बाद 75 दिन हयात रहीं। दूसरी रवायत यह है कि नहीं, आप इंतकाल के बाद 95 दिन हयात रहीं। जो रवायत 75 दिन के लिहाज से, उसके लिहाज से ये जो आज आपके मजलिस बर्पा की है यही तारीख है, और जो 95 दिन की, तीन जमादियोसानिया जो 95 के लिहाज से रवायत है कि जनाब फातिमा अपने बाबा की शहादत के बाद 95 दिन हयात रहीं। क्योंकि दोनों तारीखें एक लिहाज से उलमा की नज़र में अहमियत की हामिल थीं, अगरचे ये जो तीन जमादियोसानिया वाली तारीख उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है और ज़्यादा उसको मोतबर जाना गया है, लेकिन हमेशा से हमारे यहाँ मराजे का दस्तूर रहा कदीम से, दौरे कदीम से, कि ये जो 75 दिन वाली रवायत थी और फिर 95 दिन वाली रवायत, दोनों रवायतों के दरमियान में जो दिन होते थे, हर दिन मराजे के ऑफिस में, मराजे के दफ्तर में मजलिस होती थी। 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन ये मजलिसें होती थी, और नजफ़ अशरफ में और वहाँ खुद कुम में और बाकी दूसरे मजहबी शहरों में अय्याम फातिमिया के उनवान से बैनर और बाकायदा मजालिस का अहतमाम, जुलूसों का अहतमाम। तो इसमें ख़ास किरदार हमारे मराजे का इन अय्याम फातिमिया को पहचानवाने में रहा है तमाम मराजे का, और इसी बुनियाद के ऊपर इन अय्याम को, क्योंकि जो दो तारीखों के दरमियान के अय्याम, इनको अय्याम फातिमा यानी जनाब फातिमा से मखसूस दिन, जनाब फातिमा से मखसूस दिन, ये इतना अहतमाम क्यों किया गया? कभी कभी लोगों के जहनों में सवाल आ जाता है कि लीजिए साहब, 2 महीने 8 दिन तो मुहर्रम था ही और अब साहब फिर एक मुहर्रम कायम कर दिया गया, और ये क्यों साहब आ गया अब, ये नया कुछ? नया नहीं है, हम तक पहुँचा देर में है, ये नया नहीं है, हम तक पहुंचा देर में है, से होता रहा है। शहादत की दो तारीखें, 75 दिन, 95 दिन, दोनों के दरमियान के जो दिन हैं, इन अय्याम में मकसद ये था, इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा शहज़ादी कौनैन का जिक्र हो, जिक्र आम हो। क्यों जिक्र हो, क्यों आम हो? जनाब खुद तमाम मासूमीन में, तवज्जो कीजिएगा, आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा, तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में जितनी असर गुजार शख्सियत, जितनी असरअंदाज शख्सियत जनाब फातिमा की, अगरचे आप अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत अपनी जगह पर है, इमाम हसन इमाम हुसैन की शख्सियतें अपनी जगह के ऊपर हैं, बाकी अइम्मा अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन जितनी असरअंदाज शख्सियत खुद जनाब फातिमा की है, आप तारीख उठा कर देख लीजिए, और इस दौर के भी जितने भी बड़े बड़े वो अफराद की जिन्होंने मजहब हक्का, मजहब अहले बैत इख्तियार किया, चाहे वो तीजानिया समावी हो और चाहे यहाँ आपके गुजरात में इब्राहिम भाई भरूच वाले हो या और दूसरे अफराद हों, इन तमाम अफराद के मजहब अहले बैत और मजहब हक्का पर आने में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की है वो है जनाब फातिमा का किरदार, जनाब फातिमा की शख्सियत, जनाब फातिमा की तारीख, जनाब फातिमा का इतिहास। फातिमा कौन थी? फातिमा अपने बाबा के इंतकाल के बाद ये क्यों ऐसे हालात हुए,
ये कौन लोग गए थे दरवाजे के ऊपर, फिर फातिमा ने क्या किया उनके सिलसिले में, ये वो रवायतें और हालात और वाकयात जो मुसलमानों की किताबों में मौजूद हैं लेकिन मुसलमान उनको लोगों तक नहीं आने देते हैं। इन अय्याम का मकसद उन रवायतों और उन हालात और वाकयात को लोगों के सामने लाना, और अपने लोगों की जिम्मेदारी है उनको अच्छे अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे अफराद तक, दूसरे जो लोग हैं उनको अच्छे अंदाज तक उन तक पहुंचाना, ताकि ये जनाब फातिमा का किरदार, जनाब फातिमा की शख्सियत और जनाब फातिमा का जो जिहाद रहा है अपने बाबा के इंतकाल के बाद, ये 75 दिन या 95 दिन ये जिंदगी का हिस्सा लोगों के सामने आए और मुसलमानों को पता चले कि पैगंबर की इकलौती बेटी के साथ क्या हुआ। और यही चीज जिस दिन मुसलमान को पता चल गया कि पैगंबर की बेटी के साथ ये हुआ है, उसी दिन मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी जगह पर रुक जाए। एक बेकरारी, एक बेचैनी, एक जस्तजू, एक रिसर्च, एक खोज, एक तलाश उसके अंदर पैदा हो जाएगी कि लाओ और मालूम करें, और मालूम करें, और मालूम करें, और मालूम करें। यही चीज सबब बनती है मजहब अहले बैत की तरफ लोगों के आने में। तो जनाब फातिमा अजीजो, जिस वक्त पैगंबर का इंतकाल हुआ, जनाब फातिमा कहती हैं कि पैगंबर का सर मेरे जानू पे था, बस पैगंबर का सर मेरे जानू पर था, पैगंबर आराम में थे, कभी आंख खोलते थे कभी पैगंबर आंख बंद कर लेते थे। इसी दरमियान दरवाजे पे दख्ल बाब हुआ, फिज़ा दरवाजे पर आई, कौन? पैगंबर से मुलाकात चाहता हूं। नहीं, ये वक्त मुलाकात नहीं है, चले जाओ, पैगंबर अभी आराम में है। आने वाला चला गया, थोड़ी देर न गुजरी थी कि आने वाला फिर आया दरवाजे के ऊपर, कौन? पैगंबर से मुलाकात करनी है। नहीं, ये वक्त मुलाकात नहीं है, पैगंबर आराम में है, चले जाओ, फिर चला गया आने वाला। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे आ गया, और आने के बाद अब जो आया तो बड़ी मुहीब आवाज, बड़ी खौफनाक आवाज, ऐसी आवाज कि जिसको सुन के जनाब फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, और ये आंसू रुखसारे पैगंबर पर गिरे। पैगंबर ने आंख खोली, बेटी खैरियत? ये मेरी जिंदगी में तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? जनाब फातिमा करती, बाबा दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ आपसे मुलाकात चाहता है, बार बार मना कर रहे हैं फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। बस एक मरतबा पैगंबर ने फरमाया, बेटी ये आने वाला किसी दरवाजे पे इजाज़त नहीं लेता, ये तुम्हारे दर का शरफ है, ये तुम्हारे घर का शरफ है कि जो आने वाला दरवाजे पे तुमसे इजाज़त तलब कर रहा है। बेटी इजाज़त दे दो, ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत है। जनाब जहरा ने सर को झुकाया, आंखों को बंद किया, पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए। पैगंबर दुनिया से क्या गए कि गमों के मसायब के जैसे पहाड़ टूट गए जहरा के ऊपर, गमों के और मसायब के पहाड़ टूट गए जहरा के ऊपर। पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए, अमीरुल मोमिनीन इंतजार में है कि मुसलमान आए तो रसूलुल्लाह का जनाजा दफन करें। दो दिन इंतजार गुजर गए, तीसरे दिन पैगंबर का जनाजा दफन हुआ। अमीरुल मोमिनीन बैतुल शरफ में है, जनाब फातिमा घर में है, इमाम हसन इमाम हुसैन आपके साथ हैं, वो मुसलमान की जिनका इंतजार कर रहे थे अली, वो आए, लेकिन काहे के लिए आए? ताजियत देने के लिए, तसलियत पेश करने के लिए नहीं, पुरसा देने के लिए नहीं, बल्कि आए दरवाजे के ऊपर आने के बाद कहते हैं कि अली को मेरे हवाले करो। अली क्यों? का सारे मुसलमानों ने बयात कर ली है, अली चाहिए कि बयात करें, अली को दरबार में ले जाएं। अली नहीं आएंगे? हाँ नहीं, अली नहीं आएंगे। का अगर अली को मेरे हवाले नहीं करती हो तो इस दरवाजे को जला देंगे, इस घर को गिरा देंगे।
अल्लाह अकबर। दरवाजे में आग लगा देंगे। बस एक मर्तबा जनाब फातिमा आवाज देती है, क्या कहा? इस दरवाजे में? अरे इस दरवाजे पे मेरा बाबा आके सलाम किया करता था, मेरा बाबा इस दरवाजे पे आके सलाम किया करता था। इस घर में हसन और हुसैन है, इस घर में पैगंबर की बेटी है। आवाज आती है कि कोई भी हो, अगर अली को हवाले नहीं किया दरवाजा जला देंगे। और आने वालों ने जो कुछ कहा था वो कर दिया, दरवाजे में आग लगा दी। अच्छा दरवाजे में खाली आग लगी क्या? बस नहीं, दरवाजे के इस तरफ यानी घर वाली साइड में जनाब फातिमा है, बाहर वाली साइड में कोई एक आदमी नहीं है, कोई दो अफराद नहीं है, बल्कि एक मजमा है कि जो हुजूम किए हुए हैं। मैं रवायतों के लिहाज से आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, मजमा है कि जो हुजूम किए हुए हैं। कहते हैं कि फातिमा दरवाजे के करीब खड़ी हुई हैं कि नहीं नहीं हम दरवाजे में, इस घर में पैगंबर की बेटी है, पैगंबर के बेटे हैं, क्या गजब कर रहे हो, इस दर में जल इस दर को जलाओगे। कहते हैं जिस वक्त आग लगाई तो खाली आग लगाने पे ये रुके नहीं, बल्कि एक मरतबा दरवाजे पे हुजूम किया। ये दरवाजा जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पे गिरा। बाज रवायतों में यह है कि दरवाजा बीबी के पहलू पे गिरा, बाज रवायतों में यह है कि जिस वक्त दरवाजे पर हुजूम हुआ तो दरवाजा खुला, और जब खुला तो बीबी दर और दीवार के बीच में आ गई। अब जब बीबी दर और दीवार के बीच में आ गई तो वो लकड़ी की जिसके जरिए से दरवाजा बंद होता था वो बिनत रसूल के पहलू पे लगी। जैसे उस कील का फातिमा के पहलू पे लगना था, पसलियां टूट गई, पहलू शिकस्ता हो गया। आजादारों एक मर्तबा फातिमा जमीन पे गिरी, फातिमा जमीन पे गिरी, आवाज फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा आगे बढ़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। आजादारों एक मर्तबा फिजा आगे बढ़ी, बीबी को सहारा दिया। काबुल हसन कहां गए? काबुल हसन को मस्जिद की तरफ ले गए। उस आलम में बीबी ने कि जहां भी बच्चा शहीद हुआ है, एक मर्तबा चादर को बराबर किया, चादर को बराबर करके पीछे पीछे चली। खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ दो, वरना अभी पैगंबर का कुर्ता सर पे रख के बद्दुआ करूंगी। अजादारो अली ने सलमान को भेजा, सलमान जाके फातिमा से कह दो कि जैसे ही सलमान आए हैं, फातिमा की जबान से ये कलेमात निकले थे कि मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई। मैं कहूंगा कि अभी पैगंबर की बेटी ने बालों को खोला नहीं था, बद्दुआ के जुमले लब पे लाई नहीं थी, पैगंबर का कुर्ता सर पर रखा नहीं था, लेकिन मदीने में जलजला आ गया। लेकिन हाय, कोई करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक, अरे इसी जहरा की बेटियां हैं, इसी पैगंबर की निवासियां हैं, सर पे चादर नहीं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, आगे आगे मुलादी की निदा। जज़ाकुमुल्लाह खैर अल-जज़ा। मैं खत्म कर देता लेकिन आज शहादत की शब है, आज शहादत की शब है। आप सबको मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को उनकी जद्द माजिदा का पुरसा पेश करना है। अज़ादारो बस तमाम हालात और वाकयात को दरमियान के छोड़ते हुए कि जनाब फातिमा इस आलम में कि जहां एक तरफ पहलू शिकस्ता, बच्चा शहीद हो चुका, शौहर के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, घर वाले दरवाजे को जलाया गया, इन हालात में कैसे जिंदगी गुजारती और कितने दिन जिंदगी गुजारती। यही वजह है कि बिनते रसूल इन 75 दिनों में फातिमा की कैफियत क्या हो गई थी। फातिमा असा लेके चलने लगी थी, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई थी, 18 साल की पैगंबर की बेटी बूढ़ी नजर आ रही थी। इस जवानी में
18 साल की पैगंबर की बेटी इस जवानी में बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पैगंबर की इस बेटी ने ये 75 दिन कैसे गुजारे हैं? बस एक गोशा मैं आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूं, और ये चीज पढ़ने की नहीं है, महसूस करने की है, ये चीज सुनने की नहीं है, महसूस करने की है। देखिए, अगर कहीं के ऊपर खुदा ना खास कोई फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाए, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, जिस्म के किसी हिस्से में फ्रैक्चर हो जाए, तो जहां पर फ्रैक्चर होता है ये फ्रैक्चर वाली जगह बहुत अजियत देती है, बहुत अजियत देती है। जब तक वो हड्डी बैठ नहीं जाती, जब तक वो हड्डी बराबर नहीं हो जाती, जब तक उस पर प्लास्टर नहीं चढ़ जाता, जब तक उसके ऊपर कोई बैंडेज नहीं लपेट दिया जाता, ये हड्डी बहुत दुख पहुंचाती है। अजादारो फातिमा ने एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि 75 दिन तक इसी दर्द को लिए रही, इसी दर्द को लिए रही। घर में अली मौजूद, लेकिन अली को यह पता नहीं है कि फातिमा का पहलू चिकस्ता है। अली घर में मौजूद, लेकिन अली को पता नहीं है कि फातिमा की पसलियां टूटी हुई हैं। हसन और हुसैन घर में मौजूद, लेकिन बच्चों को खबर नहीं कि मेरी मां का पहलू शिकस्ता है। फिज्जा घर में मौजूद, लेकिन फिज्जा को भी खबर नहीं कि बीबी का पहलू शिकस्ता है। और बीबी इसी आलम में बच्चों के लिए लिबास का इंतजाम, खाने का इंतजाम, और फिर दिन और रात और गिरिया और रोना। अजादारों, ये 75 दिन कैसे गुजारे? एक रवायत में मिलता है कि बीबी हमेशा एक ही पहलू लेटती थी, एक ही पहलू लेटती थी। ये राज खुल ना सका कि आखिर ये पैगंबर के इंतकाल के बाद ये फातिमा एक पहलू क्यों लेटती है। लेकिन ये राज उस वक्त खुला कि जब अली ने फातिमा को तख्ते गुस्ल पे लिटाया, जब अली ने फातिमा को तख्ते गुस्ल पे लिटाया, और गुस्ल देते देते अली का हाथ फातिमा के पहलू पे पड़ा, अली ने देखा कि पहलू शिकस्ता। अली ने देखा कि पहलू शिकस्ता है। बस एक मर्तबा कायनात के अमीर के दहन से चीख निकली, ऐसी चीख कि बाहर खड़े हुए साहब ने सुन लिया। सलमान ने बाद में सवाल किया, मौला बड़े बड़े मरहले देखे हैं, लेकिन इस अंदाज से आपको हमने गिरते नहीं देखा कि जैसे उस वक्त गिरिया कर रहे कि जब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे। बस एक मर्तबा अली ने सीने पे हाथ मार के कहा, ए सलमान, अरे मैं कैसे गिरिया ना करता, अरे जिस वक्त मैं गुस्ल दे रहा था, गुस्ल देते देते मेरा हाथ फातिमा के पहलू पे पड़ा, अब जो मैंने देखा फातिमा की पसलियां शिकस्ता, अरे मुझे हैरत ये हुई कि फातिमा 75 दिन तक इसी तरीके से घर में गुजार दिए और किसी से इसका तस्करा भी ना किया और ये दर्द को लेके चली गई। अजादारों, बस जिस वक्त जनाजा तैयार हो गया, जनाजे को लाके घर में रखा, आवाज दी, बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो। अजादारों, सारे बच्चे जमा हो गए, घर वाले आ गए, लेकिन हुसैन एक गोशे में खड़े हुए हैं। अम्मा, तुम मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। जिस वक्त मरियम दुनिया से रुखसत हुई है, ईसा करीब खड़े थे, मरियम के हाथ निकले बरामद हुए थे, मरियम ने ईसा को अपने सीने से लगाया था। ए अम्मा, अरे अपने लाल को सीने से लगा लो। एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, हाथ नमूदार हुए, आ मेरे लाल। अजादारों, अभी सीने से लगे हुए थे कि जिब्राइल नाजिल हुए, अली हुसैन को फातिमा से जुदा कर दो, मलाइका में कोहराम बरपा है, लीजिए रात के अंधेरे में फातिमा का जनाजा उठा लाकर बकी में एक जगह के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने कब्र को खोदा। और कब्र को खोदने के बाद कहते हैं कि जिस वक्त कब्र नजर आ
आई है, थोड़ी सी मिट्टी हटाई है, कब्र नजर आई है, दो हाथ नमूदार हुए जो पैगंबर के हाथों से मुशाबे थे। आवाज आई, अली लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो, अजादारो। अली ने फातिमा को पैगंबर के हवाले कर दिया। यहां के ऊपर आगे कौसरी एक जुमला कहते हैं, आगे कौसरी ये कौन थे, ये इमाम खुमैनी के जाकिर थे। जब भी किसी शहादत के मौके के ऊपर खुमैनी साहब के इमाम बाड़े में उनके हुसैनिया में मजलिस होती थी तो यही आगे कौसरी जाके मजलिस पढ़ा करते थे। जिस वक्त जनाब फातिमा की शहादत के मौके पर मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने उस मौके के ऊपर जिक्र किया कि जिस वक्त फातिमा को पैगंबर के हवाले किया, पैगंबर को हवाले करने के बाद अली ने फातिमा की कब्र पर मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद एक हाथ फातिमा की कब्र पर रखा, एक हाथ से पैगंबर की कब्र की तरफ इशारा किया, आवाज दिया, रसूल अल्लाह आपकी अमानत आपके हवाले, आपके पास फातिमा आ रही है। अरे जरा पूछ लीजिएगा उम्मत ने फातिमा के साथ क्या किया। यहाँ पर कौसरी कहते हैं कि अजब नहीं पैगंबर की आवाज आई हो, ए अली, अरे जब अमानत को तुम्हारे हवाले किया था तो फातिमा का पहलू सलामत था, लेकिन अब जो अमानत मेरे पास आ रही है फातिमा का पहलू शिकस्ता। फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने फातिमा को सुपुर्द लहद कर दिया। अला अल कौम ज़ालिमीन सयालमुल लदीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها। بار الہ شب جمعہ ہے، شب شہادت، تیری بارگاہ میں ہم سب گنہگار اور خطا کار حاضر ہیں۔ بار الہ ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حقیقی اور واقعی شیعوں میں قرار دے۔ بار الہ جو بھی غلطیاں، خطائیں اور گناہ ہیں ان سے درگزر فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو معبود خود انہی کی چالوں اور انہی کی مکاریوں میں گرفتار فرما، ان کی چالوں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار، معبود مولا امام زمانہ علیہ السلام۔